Subscribe and click the bell icon for television updates. देखिए जी परिवार जो है ये 30 साल से अपना योगदान दे रहा है और हम लोग पिछले 5 साल से लगातार योगदान दे रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि अगले 5-10 साल तक और ऐसे योगदान देते रहें और इंटीग्रल पार्ट हैं जी का और आगे भी रहें और इस खुशी में डेफिनेटली हम लोग शामिल हैं. सॉलिड एक्साइटेड, एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली हैप्पी, एक्साइटेड, ऑल ड्रेस्ड अप टू सेलिब्रेट ये हैप्पीनेस, ये खुशी, बिकॉज जी हमारी फैमिली ऑल ओवर द वर्ल्ड एक फैमिली है, लेकिन हमारी अपनी भी फैमिली है. एक यू नो घर के बाहर एक जो फैमिली होती है वो है कुंडली भाग्य. हमारा शो इज अ फैमिली, वी गॉट थ्रू जी. सो थैंक यू सो मच एंड कंग्रेचुलेशन जी फॉर 30 इयर्स. श्रुति अरोड़ा आने के बाद ही शो को बहुत प्यार मिल रहा है, जैसे धीरज से मिल रहा था वैसे उससे ज़्यादा प्यार मिल रहा है क्या? धीरज का प्यार अपनी जगह है और शक्ति का प्यार अपनी जगह है और शक्ति बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत ही प्यारा लड़का है और बहुत ईमानदारी के साथ अपना काम निभा रहा है और धीरज ने एक बेंचमार्क सेट किया था, उस बेंचमार्क को बीट करना, कम्पीट करना और उसमें बने रहना ये बहुत अच्छी बात है और शक्ति ने उसको प्रूव किया है और आज TRP का चार्ट फिर वही है और कहते हैं कंटेंट जो है वो अपने आप में किंग रहता है और थैंक्स टू जी कि वो अच्छी स्टोरी के साथ, अच्छे ट्विस्ट एंड टर्न्स के साथ आगे लेके जा रहे हैं और हम लोग परफॉर्म कर रहे हैं. जैसे कि आप लोगों ने कहा यू नो हमारी जो घर के बाहर की फैमिली है, ये पूछने की बात है ही नहीं वो यार, मतलब उसको कोई ऐसा दिन नहीं रहता है कि जब हम लोग धीरज को मिस नहीं करते हैं और हम लोग खुश हैं उसके लिए कि वो भी पिता भी बन गए हैं और अपने फादरहुड को एंजॉय कर रहे हैं, फिर वो झलक कर रहे हैं और आगे एक शो और कर रहे हैं तो वो अपनी लाइफ में आगे तरक्की करें, हम तो यही चाहते हैं. मेरे तो मुंह बोले भाई राखी बांधी थी पिछले रक्षाबंधन में, तो इस बार जब रक्षाबंधन आया ना तो आई वॉज एट होम, घर पे थी, पर मेरे मन में ये था कि अपने ऋषभ भैया को और धीरज भाई को राखी नहीं बांधी मैंने, यू नो मनित को और धीरज को राखी नहीं बांध पाई, मनित भाई वापस आए हैं, पर आई एम लिटरली मिसिंग दैट थिंग बिकॉज धीरज को मैंने अपना भाई ही माना है एक तरह से, वो मेरे मुंह बोले भाई हैं, मेरी इंस्पिरेशन है, मैं काफ़ी कुछ सीखी भी हूँ उनसे शो के अंदर, तो याद रहती है. बट शक्ति इज नो लेस, ही इज़ डूइंग हिज जॉब एंड आई एम एक्चुअली ग्लैड ऑल द लव जो मिल रहा है उसे हमारे शो को ऐसे ही मिलता रहे, बस हम यही चाहते हैं. प्यार आप लोगों को मिलता है ऑब्वियसली, ये कोई बोल हम तो एक्सपेक्ट कर ही रहे हैं, तो आप लोगों की भी एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी होंगी अवार्ड को लेकर. वेल नॉमिनेशंस के बारे में कुछ बताना चाहेंगे, कौन से कैटेगरीज में? अभी मुझे पता नहीं है, इन्होंने बताया नहीं कि मैं बाप में नॉमिनेटेड हूँ या ससुर में, तो वो अंदर जाने के बाद समझ में आएगा कि बाप है या ससुर. और ये तो डेफिनेटली मेरा भूल जाओ, मेरा देखो या तो बीवी का होते होते मेरा तलाक हो जाता है सीरियल में, या तो लड़का धोखा देके चला जाता है, तो मैं कवारी कन्या, मैं तो मतलब बहन का ही है, तो हम इसे हम इसे यही कहते हैं कि तीन तीन जो सर ये क्या है, तीन तीन लड़के आए तीनों को लपेट गई है सब, मानोगे नहीं रियल लाइफ में मेरी शादी नहीं हो रही है, पंगे चल रहे हैं, मंगल का कुछ इशू है, अब मेरे मॉम डैड को इतना टेंशन हो गया ना सुन के कि शो में भी कोई नहीं टिक रहा, पृथ्वी आया पकड़ा लिया, तीन तीन नक्शे बदले, ट्विंकल वाकई में सब ठीक तो है ना? मैंने बोला पापा ऐसी बातें मत करो कसम से, नहीं नहीं सब सही है और जल्दी ये भी अच्छी खबर देगी. नहीं अभी आप तो मतलब घोड़े पे सवार हो जाओ.